अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीबा लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो फिर आज मैं जा रही थी शॉपिंग करने, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो फिर मैं आई हुई थी हैदरी मार्केट, तो फिर मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं छोटा सा। तो वो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये देखेंगे, मैं बाहर थी हैदरी मार्केट के, और वहाँ पे देखें ये रश का क्या आलम था। इतना रश था, इतना रश, ये देखें आप लोग देख लें कि भाई कौन कौन पहुँचा हुआ था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आए लॉगिन में, तो यहाँ पर कुछ सेल लगी हुई थी, पीस थे और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। सेल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, कुछ महंगी भी थी लेकिन काफ़ी चीज़ों पर सेल लगी हुई थी तो बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, ये सूट थे, ये आपको 2500 में आराम से मिल रहा था, और इसमें काफ़ी सारे बड़े साइज़ भी थे, एक्सेल साइज़ भी था इसमें, ही देखे मैं आपको दिखा देती हूँ। और क्या कहते हैं, इसमें जो है ये सारे अच्छे थे, स्मॉल साइज़ भी था, मीडियम भी था, लार्ज भी था, और ये एक्सेल भी था। और ये हमें 200 कह रही हूँ, 250 में मिल ही ना जाए, ये हमें 2500 में मिल रहा था, ठीक है। और ये टू पीस था, सिर्फ शर्ट थी और ये ट्राउज़र था इसके साथ। आप लोग सोच रहे होंगे ये मुनीबा को क्या हुआ, ये एकदम मेकअप और ये चीज़ें करते करते ये एकदम बाजार पहुँच गई आज। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही चलें आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं अंदर आई लॉगिन के, तो यहाँ पे देखिए ये पर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, और ये वाले सूट जो थे वो थोड़े से महंगे थे, ये 5000 तक का पूरा सूट था, लेकिन ये थे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और इसमें सारे साइज़ भी थे, डबल एक्सेल भी था, लार्ज भी, मीडियम भी, स्मॉल भी, इसमें सारे साइज थे, ठीक है। तो ये 5000 में मिल रहा था। अच्छा जी, अब मैं जाऊंगी ऊपर, ज़रा ऊपर का भी मैंने विजिट किया था, तो ऊपर भी काफ़ी अच्छे सूट लगे हुए थे, कलर्स भी बहुत अच्छे थे, और प्राइस भी उनके सेल में जो है वो 5500 थे वैसे तो, और काफ़ी लेस करके काफ़ी सेल में लगा के तो उन्होंने ये 4500 का सूट किया हुआ था, और ये बहुत अच्छे थे। ये देखिए मैं भी आपको प्राइस शो करवा दूंगी यहाँ पे, तो इनके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो 5500 रुपये हैं, और इन्होंने काफ़ी परसेंट ऑफ लगा हुआ था इस पे लॉगिन पे, तो ये इन लोगों ने 4500 का किया हुआ था। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत कलर भी इसका बहुत प्यारा था। अगर आप लोग चाहें तो आ सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, ये है मार्केट के लॉगिन, तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छे सूट लगे हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये प्यारा सा बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायल रूम भी, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी बाहर, और बाहर ये मैं जा रही थी अब मदनी मॉल में, क्योंकि रश बहुत था, मैंने कैमरा अपना मोबाइल ऊपर किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे थे मदनी मॉल में, तो यहाँ पर ये देखें रश, देखें चलने की जगह ही नहीं थी भाई, कि कहाँ बंदा चले, सभी उसी दिन निकल के आ गए थे जिस दिन मैं मार्केट गई थी। तो अच्छा, तब कैसी लगता है ना कि आज हम मार्केट आए ना, तो आज ही सब आ गए, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो इसका भी मैंने प्राइस पूछा था ब्लैक वाले का, ये मुझे याद नहीं है, ये मैं अभी दोबारा से वीडियो देखूंगी तो फिर उसमें से देख के यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। बाकी जितने भी यहाँ आपको छोटे छोटे से इयर रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको 350 में दे रहे थे, ठीक है, 350 में थे ये इयर रिंग्स, और ये ब्रेसलेट वगैरह ये लोग 450 में दे रहे थे, और ये जितने भी ये दिखा रहे हैं आपको, ये वाली चेन्स वगैरह ये सब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी। काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे और काफ़ी प्यारे भी लग रहे थे, छोटे छोटे भी थे इयर रिंग्स, और मैं ज़्यादातर छोटे पहनना पसंद करती हूँ तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसमें से एक दो ले भी लिए थे। अच्छा, ये फ्लावर वाले जो थे ये बहुत प्यारे लग रहे थे, ये भी 350 में आपको मिल रहा था, ये छोटे छोटे थे, और ये सारे जो फ्लावर वाले जो हैं ये सब जो है आपको 350 में मिल रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और बहुत क्यूट भी थे और बहुत प्यारे प्यारे भी थे, कि जो छोटी छोटी सी लड़कियां हैं, मतलब टीनेज जो गर्ल्स हैं, वो भी इसको वेयर कर सकती हैं और ये बहुत प्यारे लगेंगे।
और ये मैट मैट में थे, ठीक है। और ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये मैंने आपको, ये भी 350 का ही था। अच्छा, इनमें से मैंने कुछ लिए भी थे तो उन लोगों ने 300 लगा दिए थे रेट ना। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। एयर रिंग मुझे खैर काफ़ी प्यारे लगे यहाँ पे। अच्छा जी, तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा सा बाहर, मदनी मॉल में ही हूँ मैं, लेकिन दूसरी शॉप पे आ गई थी कपड़ों की। अच्छा, यहाँ पे जो कपड़ों की जो इन लोगों ने, ये जो लॉन के सूटों की जो इन लोगों ने सेल लगाई हुई थी, किसी ने 3000 की लगाई हुई थी, जो नॉर्मल से हल्के सूट थे और ये सब स्टिच थे। और इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें सारे साइजेस मिल रहे थे, स्मॉल मीडियम लार्ज, किसी में था डबल एक्सेल, किसी में नहीं थे और इनके पास थे। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गई है, फिर ज्वेलरी की शॉप आ गई है चूड़ियों की। यहाँ पे आप आराम से ले सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे बाहर यहाँ पे लगे हुए थे शूज़ और ये पम्पी टाइप के और ये कुत्ते टाइप के, और ये बड़े अच्छे थे। ये किसी ने, इन लोगों ने 500 तक की सेल में लगाए हुए थे यहाँ पे ये चप्पल और ये कुत्ते वगैरह, ये इन लोगों ने 500 तक की सेल में लगाए हुए थे। तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे मेरे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा हैदरी मार्केट में। मैंने एक ऐसे ही छोटा सा रैंडम ऐसी ब्लॉग टाइप का बना लिया था, छोटी छोटी सी क्लिप्स बना ली थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।